हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। नीट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी 2024-25 के लिए। कोई ड्रॉपर बैच का भी होगा, कोई स्टार्टिंग कर रहा होगा, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। आज जो है अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि टू लास्ट ईयर जो पेपर्स थे उसके बारे में। ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये 22 का है, और एक स्टूडेंट था मेरा ही, और उसने दिया है मेरे को ये एक पेपर लाकर। और उसमें से कुछ क्वेश्चन उसने कुछ बहुत गलत किए, नीट क्वालिफाइड नहीं हुआ है। ये जो पेपर है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन तो देखे हैं जो कि मुझको अच्छे लगे हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं ये चीज़ के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है कि मैंने 179 और 180 चॉइस किया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहें आपको डेली। और शॉर्ट वीडियोस देखना ना भूलें, क्योंकि हमारे शॉर्ट वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो कि है 179। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग द PCR इज वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल बी इफेक्टेड फर्स्ट। कितना ईजी क्वेश्चन है, हालांकि स्टूडेंट ने सही किया है, जो कि ऑप्शन आंसर है इसका डीनेचुरेशन। हालांकि बहुत सही क्वेश्चन है, इसका अच्छा है, मगर लोगों को कठिन लगता है, पर ये कठिन बिल्कुल भी नहीं, एक ईजी वे में सॉल्व आ गया है आंसर इसका, डायरेक्ट ही दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है अपना 180। अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 180। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेनेस ऑफ फाइब्रिन। ये ऑप्शन है आंसर इसका जो है कि थ्रोम्बिन्स है। कितना इजी के ऑप्शन लगाए हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।